अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेलो अंकल, हाय आंटी, मैं हूं काशिफ रियाज, आप देख रहे हैं हमारे साथ फूड लवर रिजा और हम लोग हैं आज बंस रोड के ऊपर मौजूद। यहां हम आपको दिखाते हैं, ये मेन गेट है, ये बंस रोड का दाखिले का इंतज़ाम है। गर्मा गर्म गुलाब जामुन है, गाजर का हलवा है, सर्दियों की सौगात है, और समोसे हैं, नमक पारे हैं, अनरसे की गोलियां हैं, मीठी टिकिया है। मशहूर चीज़ कौन सी आपकी, गाजर का हलवा ज़्यादा बिकता है या गुलाब जामुन? जामुन हमारे दोनों माशाल्लाह टक्कर पे चलते हैं। सर्दियों में गाजर का हलवा बहुत बिकता है और गर्मियों में ज़्यादा गुलाब जामुन बहुत बिकती है। माहौल कैसा है, कोई बदतमीजी कुछ और? नहीं, कुछ भी नहीं सर, बदतमीजी कुछ भी नहीं है, सब माशाल्लाह आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अभी 3-4 महीने का प्रोसेस का है, तो इंशाल्लाह ताला 1-2 महीने में हो जाए। बाकी माशाल्लाह कारोबार पे बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, अल्लाह से कारोबार बहुत बढ़ गया फूड स्ट्रीट में। हमें तो फ़ायदा हुआ है माशाल्लाह से, बहुत बहुत जेंटली अच्छे लोग आ रहे हैं, बहुत पहले मोहल्ले के लोग होते थे, अभी बाहर के लोग बहुत आ रहे हैं। अपना वो खाता है, कभी चरगा खाता है, कभी और हलीम खाता है, कभी मछली खाता है, कभी पुराई खाया। फिलहाल 3 चीज़ें खाया है, बाकी का चेक कर रहा है। हमारा तो दिल खुश है कि कराची करोना के वापस बहाल हो गया, हम तो इस बात का दिल खुशी से इधर आता है, घूमता फिरता है। जी, बहुत अच्छा लगा है, काफ़ी क्राउडी है, काफ़ी दूर दराज से लोग आए हैं, काफ़ी कराची का क्राउड यहाँ पे आया है। क्राउड को देख के बहुत अच्छा लगा, एक दफ़ा फिर से लगा कि शायद हम लोग कराची में वापस आ गए। और मीठे में गुलाब जामुन जो मिलते हैं यहाँ पे, वो क्वालिटी हमें कराची में कहीं और नहीं मिलती।